गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जवास लिटिल वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? तो आज है संडे और सुबह उठ के सबसे फर्स्ट सना को खिलाने लग गए, क्योंकि मुझे आज एक मीटिंग में जाना है। मीटिंग मीन्स मैं कोई जॉब नहीं करती, जो कि मैंने आपसे बहुत पहले भी एक ब्लॉग में शेयर की थी। मैं एक गट में, मतलब हम लोग ऐसे हर महीने पैसे भरना पड़ता है। तो आज मेरे एक फ्रेंड के घर पर मीटिंग है, तो मेरे घर से थोड़ा दूर है और 12 बजे का टाइमिंग दी है, तो इसलिए सब उसे सना को खिलाने में ऐसा 1 घंटा तो लगता ही है। तो मम्मी को बोली पहले इसको खिलाओ, और ऐसा ही होता है जिस दिन हमें कुछ जल्दी करना है तो उसी दिन लेट होता है। जैसे कि आज सना को जल्दी खिलाने के लिए बैठे और आज वो खा ही नहीं रही थी। 1 से 1.5 घंटा हो गया, उसका आधा भी नहीं हुआ, और यहाँ देखो प्लेट देख रहे हो। तो रात को खिलाने में उसको कभी कभी मोबाइल दिखा देती हूँ, तो मोबाइल में उसने ना होली देखी, मतलब एक शॉर्ट में। तो मम्मी बोले कलर लाओ, तो हाँ, तो कल रात को अच्छे से खा ली, क्योंकि उसी एक नया चीज़ दिखा कलर, तो सब मेरे फेस पे लगा रही थी रात को। तो मम्मी सुबह भी अभी दी, 1-2 बार मुझे लगाई और तो वो खा लेती है। मीन्स उसके ना हाथ बिजी हो गए ना, तो वो खाती है। तो ऐसा करके उसको सुबह मैंने फटाफट खिलाने की कोशिश की, वो आधा भी नहीं खाई। 1.5 घंटा हो चुका और आज वो खाई नहीं थी, ये देखो मेरे फेस पे। फिर उसके बाद उसे खिलाना होने के बाद मैं मम्मी ने बोली नहाने से पहले तू थोड़ा खाना खा ले। सुबह ना मुझे खाना नहीं होता खाना सच में, तो मम्मी बोली फिर भी थोड़ा खा ले। और आज पहले ही बोल के रखे थे फ्रेंड लोग ने, कि भैया ने, कि आज की मीटिंग में थोड़ा लेट होगा, तो 12 बजे की मीटिंग बोले। तो मैं फटाफट थोड़ा सा खा ली, ज़्यादा नहीं खाई, और मैं ना मोबाइल देख देख के खाती हूँ, मुझे टीवी देखने का दिल ही नहीं करता। फिर उसके बाद मम्मी ने मुझे बाथरूम बिठा दिए, मैं नहा के आई तो यहाँ पे उसे नहला रहे थे, और इतना बात करते मम्मी पापा उसको, और वो भी मतलब इतना ज़िद करती है ना, तो घमेले में उसका गर्म पानी है बट उसे बकेट में गीला पानी उसको होना, ठंडा पानी, गीला पानी नहीं। तो आज उसको शैम्पू करा रहे थे, तो मैं चुपचाप ना शूट की, किसी को नहीं पता मम्मी पापा को। तो इसी तरह मम्मी पापा रोज़ उसका ऐसा ध्यान रखते हैं। वो बोलते हैं ना, मैं उसकी माँ हूँ, मैं क्या ध्यान रखती हूँ, सब मेरे मम्मी पापा ही करते हैं। उसके बाद मैं चली गई माही को पिक की, और यहाँ देखो हम लोग जा रहे हैं। यह हमारी मेरे घर से जिस रोड से डायरेक्ट होता है ना, वहाँ जाके देखे वहाँ पे रोड का काम चालू था, फिर वापस आके फिर सिटी से घूम के हमको डबल घूमना पड़ा। तो ये है चंद्रपुर का अंचलेश्वर गेट। तो यहाँ पे ना फोकस ही नहीं हुआ, मतलब मैं ऑन करके माही को दी, बोले थोड़ा शूट करो, और मैं ये है लेफ्ट साइड शिव मंदिर। तो मैं माही को बोलती मुझे ना यहाँ पे एक दिन आना है, हम लोग आएंगे, हाँ, तो बोले हाँ। फिर उसके बाद ये है झटपट नदी, और इसके ना राइट साइड क्या कहते हैं उसे, गुरुद्वारा है। तो मैं माही को बोल रही माही मुझे आना है, तो माही बोले हाँ घर से निकलूँगी तब तो आप आओगे। और फिर बोले मुझे ना यहाँ का लंगर खाना है, मैं हमेशा देखती हूँ टीवी पे मोबाइल पे, तो बोले घर से निकलोगे तो ही आ पाओगे, और यहाँ पे इतना सीढ़ियाँ है। तो मैं बोली मुझे लेके कौन चढ़ेगा, तो बोली माही मैं हूँ ना। तो सच में माही बहुत अच्छी, और एक दिन मैं ज़रूर आऊँगी। ये देखो कितना सारा सीढ़ी है बट क्लियर नहीं आया है, उसके लिए सॉरी। मुझे भी नहीं पता कि मैं घर आके देखी कि कुछ भी, मतलब फोकस ही नहीं किया था। उसके बाद थोड़े आगे चले तो ये हमारे चंद्रपुर का महाकाली मंदिर, सबको पता है महाकाली का मंदिर। तो ये है प्रवेश द्वार, तो इसके अंदर इतने छोटे छोटे दुकान है, इतने प्यारे प्यारे मंदिर के भगवान की चीज़ है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है माता का, माँ काली का मंदिर। तो इसके थोड़े आगे जाके राइट में, फिर वहाँ से मेरी फ्रेंड के घर गए थे, फिर वहाँ पे मीटिंग करके फिर घर आई थी। तो या वहाँ पे उसके घर जाके हमने कोई, मतलब मैं कुछ शूट नहीं की, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद गई। आई थिंक दो तीन साल पहले उसके घर गई थी गणपति बप्पा की पूजा में, और फिर अभी गए। उसके बाद घर आ गई शाम को, शाम ही हुआ था, 4 बज गए थे, 3:30-4 के करीब। फिर आके ना मैं सच बोलूँ मैं सो गई, फिर उठने के बाद थोड़ा सा खाई, भूख नहीं लगा क्योंकि उसके मेरे फ्रेंड के घर नाश्ता भी किए थे। और फिर आके मैंने मामा के घर गई थी थोड़े देर, मतलब उसके साथ, फिर आए उसे बबल्स होना। तो आके ही पहले ना मैंने कपड़े चेंज किए, बाहर इतनी गर्मी थी ना, मतलब धूप नहीं थी फिर भी ना एकदम बहुत गर्मी थी आज। फिर उसके बाद सना के साथ खेली, और सना को मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है, वो मुझे ये दे रही बबल्स, और ये वाला ना एक साथ ये वाला ख़रीद के लाए थे मैं और मम्मी कब सिटी गई थी तब,
बट इससे ना बबल्स निकलता ही नहीं, तो पता नहीं इसके कुछ छेद जो है ना उसके अच्छा नहीं है, मैं बता नहीं पाऊँगी किस टाइप का है, तो ये अच्छा नहीं, इसके बबल्स निकलते ही नहीं। तो वो मुझे देख के बहुत खुश हो जाती, बबल्स निकलाना वो बच्चे सब बच्चों को ही पसंद है। और यहाँ देखो मैं फिर हमने मैं खाना खा ली और सना का हो गया, मम्मी पापा का, मम्मी पापा खा रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ खा रहे थे आई थिंक। और मैंने लास्ट मंडे को पूजा की थी, श्रावण फर्स्ट की सेकंड था, ये थर्ड था, तो मैं बोली मम्मी कल फिर से मंडे हैं, मैं शैम्पू करूँगी, और पिछले मंडे को शैम्पू की, तो एक वीक हो गया, मगर मैंने एक वीक से मैंने बालों में ऑयल नहीं लगाए। तो मम्मी ने फटाफट मुझे बोली तू थोड़ा ऑयल लगा ले, क्योंकि अभी बेड ठीक करना है उसे, क्या कहते हैं, सोने के लिए, तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी। और मम्मी पापा खाना खा रहे हैं, तो मेरे सुबह से मेरे बेड पे ना उसके जो जो होना रखते रखते बहुत कुछ हो जाता है, बट मैं सब साफ सोते वक्त सब साफ कर लेती हूँ। और आप ज़रा देखो वापू इतने चिड़चिड़ कर रही थी, आप ज़रा सुन, तो काथा काथा बोल के रो रही, काथा मीन्स जो ओढ़ते हैं ना, तो बंगाली में वो काथा बोलते हैं, तो वो लेके उसके पापा के ऊपर वो ओढ़ के देंगी। तो मम्मी चली आई, मम्मी को लगा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ मम्मी, उसको काथा होना उसके पापा को सुलाने के लिए, और वो रोज़ सोती है ना उसके पापा और एक एलिफेंट लेके सोती है, और एलिफेंट को भी पापा बोलती है क्योंकि एलिफेंट का जो सूंड है ना, तो उसे लगता है वो पापा का सूंड है, तो वो पापा को बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट मेरा बेड में ठीक कर ली, और क्योंकि नेक्स्ट दूसरा दिन सोमवार है, सुबह उठ के मुझे नहाना है, पूजा करना है। मैंने बस ये सोची थी कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के मैं पूजा करूँगी। तो ये है नेक्स्ट सोमवार, श्रावण सोमवार, आई थिंक ये मेरा थर्ड श्रावण सोमवार है। तो देखिए आप, दरवाज़ा बंद है क्योंकि वो ना उतर जाती है, और उतर के सीढ़ियों से ना एक बार वो गिर गई थी तो उसको लग गया था, तो यहाँ पे उसे वो आप सबको फूल दिखा रही थी। बंगाली में घर में बात करती हूँ, तो सुबह उठ के पहले मैं सोची कि नहा लूँ, अगर नहा ली तो आप सब से मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं सोमवार को पूजा करती हूँ उसके बाद खाती हूँ, बट पता नहीं मेरे दिल को ऐसा लगा कि आज मैं पूरा दिन ही उपवास रखती हूँ, तो इसलिए मैं नहाने नहीं गई, पहले सना को खिलाई फिर उसके बाद मैं नहाने गई, और आज मेरा पूरा दिन उपवास है। मुझे किसी ने नहीं बोला, मेरा दिल ने किया, तो मैं आज सारा दिन उपवास रहूँगी, और इस तरह से मैं पूजा करती हूँ, धीरे धीरे सब करती हूँ, और मम्मी मेरे आधा करके देती है, बहुत से जैसे फूल नहीं ला पाती, फिर मम्मी ने सब घर में पोछा लगाए, मैं करने जाती हूँ तो बहुत टाइम हो जाता है, तो मम्मी सब मुझे बंगाली में बोलते हैं कि मम्मी सब कुछ गोसाईदा है, आई मीन सब कुछ मम्मी कर देती है, और मैं अच्छे से पूजा करती हूँ, अच्छे से नहीं बोलूँगी, मुझे जैसा आता है मैं भगवान को ऐसा पूजा करती हूँ। तो ये है मेरे भोलेनाथ, मैं मुझे जैसा आता है मैं वैसा पूजा करती हूँ, और मम्मी का देख के ही मैं सब पूजा करती हूँ, दादी का, और मुझे बचपन से ना दादी ने मुझे पूजा करना सिखाई, पहले जब मैं छोटी थी ना मेरी दादी मुझे ना काली माँ की पूजा कराती थी, मुझे याद है अच्छी मैं बहुत छोटी थी तो दादी ने बोली थी काली माँ की पूजा करो, और मेरा जो नाम है वो है जौबा, मुझे तो स्कूल में जाके सब जौबा बुलाते हैं, तो रियल नेम मेरा जौबा है, और काली माँ को जो लाल कलर का फूल चढ़ाते हैं ना, तो उस फूल का नाम ही बंगाली में जौबा बोलते हैं, और मेरा नाम मेरी दादी ने रखी थी। तो मुझे जब स्कूल जाती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था, मगर अभी बड़ी होके जानी हो कि जौबा नाम बहुत अच्छा नाम है, और तो ये है मेरे भोलेनाथ। तो आप सब भी अपने मन की इच्छा भोलेनाथ से मांग लो,
और आज मैं सारा दिन उपवास थी। पूजा करने के 1-2 घंटे के बाद मम्मी ने बोली थोड़ा कुछ खा ले। हमारे बंगाली में एकदम ऐसा निर्जल उपवास नहीं रखते, कुछ खाते हैं, फल फ्रूट्स। मम्मी बोल रही थी फल खा, दूध पी, मैं बोली नहीं। तो मम्मी ने मेरे लिए उपवास का साबूदाना बना दी थी, तो मैंने वो खाई थी। और शाम होने के बाद मैंने पूजा की, उसके बाद मैंने उपवास मैंने छोड़ी, खाना खाई। तो फ्रेंड आज मैं आपसे इतना ही शेयर की। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप सबको सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।